राजस्थान पाली जिले में कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने गुरुवार को अपने एक दिवसीय दौरे पर सुमेरपुर कस्बे के राजकीय बालिका विद्यालय के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आयोजित वार्षिक उत्सव में विद्यालय की संस्था प्रधान डिंपल चौधरी ने कैबिनेट मंत्री का स्वागत किया। इसके साथ ही उपस्थित अतिथियों ने प्रतिभावान छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। वहीं आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि आज के युग में शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा से ही बच्चे विद्यालय समेत अपने माता पिता और देश का नाम रोशन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जब बच्चे मन लगाकर मेहनत करेंगे तो अच्छे फल जरूर मिलेंगे। सुमेरपुर से संवाददाता अरविंद कुमार जोशी की रिपोर्ट। निश्चित रूप से मैं प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनकी जो दूर की सोच है कि हमारा देश आत्मनिर्भर कैसे बने और हमारे देश में रहने वाला हर व्यक्ति आत्मनिर्भर कैसे बने, इस दिशा में वो काम कर रहे हैं। एक नई शिक्षा नीति आने वाले समय में हमारे बच्चों और बच्चियों के लिए काम आएगी और उस शिक्षा नीति को अपनाते हुए निश्चित रूप से बच्चे और बच्चियां आत्मनिर्भर बनेंगे। शुरू से ही रोजगार करना सीखेंगे। ये जरूरी नहीं है कि हम सारे के सारे अफसर बनेंगे। ये जरूरी नहीं है कि हम सारे के सारे सरकारी कर्मचारी बनेंगे। ये जरूरी नहीं है कि हम सारे के सारे नेता बन जाएंगे। भाई आपकी जो नई शिक्षा नीति के तहत आपको सिखाया जाएगा आत्मनिर्भर बनने के लिए और रोजगार आगे बढ़ाई खत्म होने के कर सकते हो। आत्मनिर्भर बनने के लिए आपको जो सिखाए जाएंगे वह आने वाले समय में आपको जीवन में काम आएगा और उससे जुड़े हुए काम आप पढ़ाई के बाद में शुरू से अपना रोजगार अपनाते हुए आप आत्मनिर्भर बन सकोगे।